Good morning, students. I hope you all are fine and doing studies at home very well. So today we are going to do what comes after. Okay. So what comes after करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पूरी counting, यानी जहाँ हम 1 से लेके 30 तक what comes after करेंगे, तो counting को हम revise करेंगे first. What comes after के लिए आपको counting आना बहुत जरूरी है. So let's revise counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14. 1, 5, 15. 1, 6, 16. 1, 7, 17. 1, 8, 18. 1, 9, 19. 2, 0, 20. Now 2, 1, 21. 2, 2, 22. 2, 3, 23. 2, 4, 24. 2, 5, 25. 2, 6, 26. 2, 7, 27. 2, 8, 28. 2, 9, 29. 3, 0, 30. After revision of counting, we will do what comes after. Okay. इसमें after का मतलब क्या होता है? बाद में. तो what comes after का मतलब होता है बाद में क्या आएगा. ठीक है. जैसे students, आपने revision किया counting का, उसमें 1 के बाद कौन सा नंबर आ रहा था? 2 नंबर. 2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा था? 3 नंबर. उसके बाद 3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा था? 4 नंबर. तो ऐसे ऐसे करके हम व्हाट्स कम आफ्टर को करेंगे. राइट. यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिखा नंबर 5, नंबर 5. ओके. उसके बाद में जो ये ब्लॉक है आपके सामने, एक ब्लॉक में नंबर लिखा होगा लेकिन एक ब्लॉक खाली होगा. जैसे यहाँ नंबर 5 लिखा है, उसके बाद डैश लगाया है और ये वाला ब्लॉक जो है वो खाली होगा. तो आपको इसमें इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो लिखना है, यानी 5 के बाद क्या आता है वो आपको लिखना है. तो स्टूडेंट्स, 5 के बाद क्या आता है? 6. राइट. तो हमें यहाँ पे जो ये खाली जगह है उसके यहाँ पे लिखना है नंबर 6. नाउ आई एम टेकिंग नंबर 9. सो स्टूडेंट, टेल मी 9 के बाद में क्या आता है? जो आपको यहाँ खाली बॉक्स दिख रहा है उसमें आपको इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो लिखना है. यस, 9 के बाद आता है 10. ओके. आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. जैसे 1, 3, 13 के बाद क्या आता है? यस, आपको इस खाली बॉक्स में, इस ब्लैंक बॉक्स में लिखना है 13 के बाद 1, 4, 14 आता है. राइट. आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. जैसे नंबर 1, 8, 18, इसके बाद डैश और ये ब्लॉक मैंने आपके लिखने के लिए स्पेस में छोड़ा है. तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? यस, 1, 9, 19. ओके. इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं 2, 1, 21. इसके बाद डैश और इस ब्लॉक में जो खाली है उस ब्लॉक में आपको लिखना है 2, 1, 21 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2, 2, 22. ओके. 2, 6, 26 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2, 7, 27. 2, 9, 29 के बाद कौन सा नंबर आता है? ये ब्लॉक मैंने आपके लिए खाली छोड़ा है, आपको इसमें लिखना है 3, 0, 30. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम व्हाट कम्स आफ्टर कैसे करते हैं. सो लेट्स रिवाइज. इसके लिए फर्स्ट आपको काउंटिंग पूरी तरीके से लर्न होना जरूरी है. अगर आपको काउंटिंग अच्छे से नहीं
आती है, आप रिवाइज नहीं करते हो इससे पहले काउंटिंग को, तो आप इसको अच्छे से नहीं कर पाओगे. सो फर्स्ट रिवाइज काउंटिंग एंड देन डू व्हाट कम्स आफ्टर. सो व्हाट कम्स आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर मतलब बाद में. तो अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है, उसके बाद में ऐसे डैश लगा है और फिर ऐसा ब्लॉक खाली है, तो आपको इसके बाद वाला नंबर यहाँ पे दिखना है. जैसे 5 के बाद नंबर 6 आता है, जैसे नंबर 8 के बाद क्या आएगा? नंबर 9.